बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए मैंने आपको कल की ऑनलाइन क्लासेज में बताया था किस प्रकार से खिलजी राजवंश का अंत हुआ। मैंने कल को आपको ऑनलाइन के वीडियो में बताया था है खुसरो खान ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या की, अब दिल्ली का सुल्तान बना खुसरो खान। मैंने आपको ये भी बताया था खुसरो खान ने अपने सुल्तान पद के रूप में सभी का समर्थन पाने के लिए अपने राजकोष का धन अंधाधुन है अमीरों सरदारों निजामुद्दीन औलिया में वितरित किया। फिर हमने ये भी पढ़ा था उसी समय गाजी मलिक जो अलाउद्दीन का एक सेनापति था, गाजी मलिक ने खुसरो खान की हत्या की। इसी के साथ 1320 में खिलजी राजवंश का अंत हुआ। खिलजियों ने 1290 से लेकर 1320 तक केवल 30 वर्षों तक शासन किया। अब भारत में एक नवीन राजवंश की स्थापना हुई जिसका नाम था तुगलक राजवंश। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गाजी मलिक ने की। गाजी मलिक का दूसरा नाम था गयासुद्दीन तुगलक। दो नंबर का प्रश्न पूछते हैं तुगलक वंश की स्थापना कब और किसने की। उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने की। इसमें सिर्फ एक बात और याद रखना, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है जिसने बगीचों का निर्माण कराया और किसानों के लिए नहर का निर्माण कराया, गयासुद्दीन तुगलक। एक प्रश्न और याद रखना, अब सुनना प्रिय विद्यार्थियों, गयासुद्दीन तुगलक ने देखा है मेरा पूरा खजाना खाली पड़ा, मेरा पूरा राजकोष खाली पड़ा, धन सब कहाँ गया। उत्तर मिला खुसरो खान ने खजाने का धन सभी में अंधाधुंध वितरित किया। गयासुद्दीन तुगलक ने उन व्यक्तियों की लिस्ट बनाई जिन्हें खुसरो खान ने धन दिया था और सभी से पैसा वापस वसूल किया, सभी से पैसा वापस वसूल किया और उसमें एक नाम आया निजामुद्दीन औलिया का है। गयासुद्दीन तुगलक अपने सैनिक अभियान पर निकला, सैनिक अभियान से सीधा गया निजामुद्दीन औलिया के पास और निजामुद्दीन औलिया से कहा ए औलिया है खुसरो खान ने जो तुझे धन दिया था ना वो धन तू मुझे वापस लौटा। खुसरो खान ने कहा है सॉरी निजामुद्दीन औलिया ने कहा खुसरो खान ने जो मुझे धन दिया था वो धन तो मैंने जरूरतमंदों गरीबों अनाथों में बांट दिया, अब मेरे पास देने के लिए कोई धन नहीं है। निजामुद्दीन औलिया को वापस है गयासुद्दीन तुगलक ने कहा मुझे बांधने नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए पैसा, और मुझे पैसा पहुंचा देना नहीं तो उठा के मैं तेरे को यहां से ले जाऊंगा। उसी समय निजामुद्दीन औलिया को गुस्सा आया और निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा एक गयासुद्दीन दिल्ली अभी दूर है ध्यान रखना है। घबरा गया गयासुद्दीन तुगलक और चुपचाप सेना लेकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया है। और उसके दिमाग में एक ही वर्ड गूंज रहे थे दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन ने कहा दिल्ली दूर कहाँ है, बस 20 किलोमीटर तो दिल्ली दूर है, अब मैं आ गया दिल्ली और क्या। दिल्ली से ही 20 किलोमीटर दूर गयासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक जिसका नाम था जोना खान, जोना खान ने दिल्ली से 20 किलोमीटर पहले अफगानपुर नामक स्थान पर अपने पिता की हत्या करने के लिए जानबूझकर एक शामियाना बनाया। मैंने पहले भी आपको बताया जानबूझकर एक शामियाना बनाया और शामियाना इतना छोटा था यदि गलती से भी हाथी उसके बीच में आ जाए तो हाथी फंस जाएगा, जैसे हाथी फंसेगा तो सामियाना उसके ऊपर गिरेगा और मेरा बाप जाएगा ऊपर है। जैसे गयासुद्दीन तुगलक उस सामियाने के पास पहुंचा उसने कहा बेटे जोना खां ये क्या क्या, और उसने कहा पिताजी आपका स्वागत करना है आपका स्वागत। तो उसने कहा इतना 20 किलोमीटर पहले स्वागत क्यों कर रहे हो, आराम से दिल्ली में स्वागत कर देना। क्या नहीं, दिल्ली में स्वागत करूंगा तो मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी, दिल्ली से पहले स्वागत करूंगा, यहाँ पर जितने भी सैनिक सरदार और अमीर खड़े उसमें सब मोस्टली मेरे ही हैं, तभी तो मेरा षड्यंत्र यहाँ पर काम करेगा, दिल्ली में तो मेरा षड्यंत्र फेल हो जाएगा है। नहीं नहीं पिताजी मैं आपका स्वागत यहीं पे करूंगा।
तो बेटा आप के नए नए पिताजी मैंने ये शुभ मंगल मंडप लगाया है, आप ये आश्रम में पार कर लो, अस्त्र आ जाओ, फिर मैं आपका वेलकम करूंगा। गया सुदिन तुगलक का हाथी, जैसे सामयाने को पार करने लगा, सामयाने के बीच में जाकर उसका हाथी फंस गया। हाथी ने जोर से अपना शरीर हिलाया, सामयाना उसके ऊपर गिरा, गया सुदिन तुगलक नीचे गिरा, सामयाने के नीचे दब गया, उसका खोपड़ा खुला और गया सुदिन तुगलक गया ऊपर। निजामुद्दीन औलिया ने पहले कहा था गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली अभी दूर है, और वास्तव में गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली पहुंचा ही नहीं और ऊपर चला गया। बड़े चमत्कारिक सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, मैंने पहले भी आपको बताया था। मुबारक शाह खिलजी ने भी निजामुद्दीन औलिया को कहा था अगले पूर्णिमा के दिन मेरे दरबार में सिजदा और पापोश करने आना। निजामुद्दीन औलिया का ऐसा चमत्कार हुआ कि पूर्णिमा से एक दिन पहले ही है मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी गई, और निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा दिल्ली अभी दूर है और वास्तव में दिल्ली पहुंचा ही नहीं और सीधा गया ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, निजामुद्दीन औलिया का इतना वर्चस्व था है, उसका एक प्रिय शिष्य था अमीर खुसरो। जैसे अमीर खुसरो को दूसरे दिन मालूम चला कि क्या मेरे गुरु की एक दिन पहले मृत्यु हो गई, उसी समय अमीर खुसरो ने भी अपने प्राण त्याग दिए। और आज भी कभी आप दिल्ली जाओ तो आप निजामुद्दीन जाना, आज भी निजामुद्दीन की बहुत ही अच्छी दरगाह बनी हुई है। इस पवित्र दरगाह में एक बनी हुई है निजामुद्दीन औलिया की कब्र, और 5-7 कदम दूर ही उसी के पास ही उसके परम शिष्य अमीर खुसरो की भी समाधि बनी हुई है। ऐसे दो परम सूफी संत थे निजामुद्दीन जी औलिया और अमीर जी खुसरो। प्रिय विद्यार्थियों, अपने पिता की हत्या करने के पश्चात अब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से 1325, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का क्या नाम था? जौना खां। उसकी उपाधि कौन सी थी? उसकी उपाधि थी उल्लुग खां। प्रिय विद्यार्थियों, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वाधिक विवादग्रस्त सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का पागल सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। सृष्टि का अद्भुत जीव कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। परस्पर विरोधी तत्वों का मिश्रण कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और सबसे इंटरेस्टिंग सुल्तान भी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। उससे ये सब उपाध्याय देने के पीछे क्या कारण है? उसके द्वारा बनाई गई निम्नांकित योजना। प्रिय विद्यार्थियों, हर साल यूनिवर्सिटी की परीक्षा में मोहम्मद बिन तुगलक की योजना का एक सवाल 100% आता है। या तो कोई भी एक योजना पूछ लेंगे 250 शब्दों में, या फिर 500 शब्दों में बड़ा प्रश्न पूछेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं की विवेचना कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज के वीडियो में मैं दो योजना आज बताऊंगा, तो सुनना। पहली योजना की मैं विवेचना करता हूँ, राजधानी परिवर्तन। प्रिय विद्यार्थियों, 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना, और सुल्तान बनते ही उसने एक योजना बनाई कि क्यों ना मैं मेरी राजधानी ट्रांसफर कर दूं। सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी क्या महाराष्ट्र में, दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी ट्रांसफर की। देवगिरी का नाम दौलता बाद रखा और अपनी सभी जनता से कहा, मैंने अपनी राजधानी चेंज कर दी, अब मैंने राजधानी कौन सी बनाई? महाराष्ट्र में देवगिरी दौलता बाद। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि सुल्तान ने अपनी राजधानी क्यों चेंज की? राजधानी परिवर्तन के पीछे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें बताई। कौन कौन सी इतिहासकारों ने कौन कौन सी बातें बताई? इतिहासकार नंबर एक जियाउद्दीन बर्नी, बर्नी लिखता है, चूंकि देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित था, ध्यान से सुनना, बर्नी लिखता है, चूंकि देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित था, वहां से
भारत के किसी भी दिशा में जाने के लिए दूरी एक समान थी। यदि भारत के किसी भी भाग में विद्रोह हो जाए तो देवगिरी से उस विद्रोह का दमन करने के लिए सेना आसानी से भेजी जा सकती थी। इसीलिए सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर की। तो बरनी राजधानी परिवर्तन का कारण क्या बताता है? बरनी राजधानी परिवर्तन का कारण बताता है चूंकि देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित था, सब भारत के सभी दिशाओं की दूरी वहां से एक समान थी, इसलिए उसने राजधानी देवगिरी ट्रांसफर की। दूसरा इतिहासकार है इब्न बतूता। इब्न बतूता लिखता है दिल्ली की जनता रोजाना रात को है गालियां लिखे हुए पत्र, अशोभनीय बातें, अमर्यादित भाषा वाले पत्र लिखकर रोजाना रात को सुल्तान के महल में फेंके भाग जाते थे। सुबह सुल्तान उठता तो चिट्ठियां पड़ी होती थी। सुल्तान उठता, जैसे उन चिट्ठियों को पढ़ता, उन चिट्ठियों में गालियां ही गालियां लिखी होती थी। मोहम्मद बिन तुगलक नाराज हुआ कि दिल्ली की जनता की इतनी हिम्मत, ऐसी भाषा वाली चिट्ठियां मेरे महल में। इसीलिए दिल्ली की जनता को दंडित करने के लिए उसने अपनी राजधानी परिवर्तन की। कौन कहता है? इब्न बतूता। एक इतिहासकार है इसामी। इसामी लिखता है मोहम्मद बिन तुगलक हमेशा दिल्ली की जनता से नाराज रहता था, है दिल्ली की जनता को अपने आप पर बहुत ही गर्व था, बहुत ही घमंड था, और सुल्तान दिल्ली की जनता के इस घमंड को, इस शक्ति को तोड़ने के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर की। कौन कहता है? इसामी। एक हो गया बरनी, दूसरी हो गया इब्न बतूता। इब्न बतूता गालिया भरे पत्र, सौभन्य पत्र, और ईसा में लिखता है सुल्तान हमेशा दिल्ली की जनता पर क्रोधित रहता था, उनकी शक्ति को, उनके घमंड को तोड़ने के लिए राजधानी परिवर्तन की। अगला इतिहासकार है हबीबुल्ला और डॉक्टर मेहंदी हुसैन। हबीबुल्ला और मेहंदी हुसैन लिखते हैं है मोहम्मद बिन तुगलक उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी इस्लाम धर्म, इस्लाम संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी राजधानी परिवर्तित की है। और एक इतिहासकार है गार्डनर ब्राउन। इतिहासकार गार्डनर ब्राउन लिखता है मंगोल आक्रमणों से दिल्ली की रक्षा करने के लिए, मंगोल आक्रमणों से अपनी राजधानी दिल्ली की रक्षा करने के लिए उसने राजधानी देवगिरी ट्रांसफर की। तो राजधानी परिवर्तन के कारण अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कारण बताए। कारण चाहे जो भी रहा हो, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन के आदेश दिए हैं। दिल्ली से देवगिरी की दूरी 950 किलोमीटर थी, लोगों ने हाथ जोड़े, अरे सुल्तान राजधानी परिवर्तन मत करो, राजधानी परिवर्तन मत करो, हमारा व्यापार, हमारा वाणिज्य, कृषि, उद्योग, धंधे, मकान सब कुछ दिल्ली में है, अरे वहां पर चलकर क्या करेंगे देवगिरी में, सुल्तान राजधानी परिवर्तन मत करो। सुल्तान ने कहा चुप, जैसा आदेश दिया गया है उसी का अनुसरण किया जाए। 950 किलोमीटर की दूरी थी, मार्ग में उसने जनता को किसी प्रकार का कष्ट न हो, जनता की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के इंतजाम कराए, रहना खाना पीना वगैरह सारी बढ़िया फैसिलिटी कराई है। 40 दिनों के बाद दिल्ली की जनता देवगिरी पहुंची, सुल्तान ने देवगिरी को राजधानी बनाई। अब वहां जाके लोग चले तो गए, अब लोग भागे भागे मोहम्मद बिन तुगलक के पास गए, अरे यहाँ आ तो गए, अब यहाँ पर क्या कृषि करे, क्या व्यापार करे, क्या धन कमावे, क्या खावे, क्या मकान बनावे, क्या करे, लेके तो आ गए, खुद तो जाके महल में बैठ गए, और अब हम क्या करें हैं? सुल्तान ने कहा चुप, अपना अपना बैठ कर काम करो हैं, और अपना जो उचित लगे वो बिजनेस शुरू करो। प्रिय विद्यार्थियों, जब राजधानी परिवर्तन की जा रही थी है, उसी समय सब लोग जा रहे थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पागल है, हैं अपने सैनिकों से कहता है हम राजधानी परिवर्तन तो कर रहे हैं, हमारे साथ कुत्ते और बिल्लियां कहाँ हैं? तो लोगों ने कहा कुत्ते और बिल्ली क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, राजधानी परिवर्तन होगी तो कुत्ते और बिल्लियां भी दिल्ली के देवगिरी चलेंगे, कुत्ते और
और बिल्लियों को भी लाओ। और उनको भी घसीटते घसीटते कहां ले गया, देवगिरी ले गया। लोग बड़े दुखी थे, लोग बड़े परेशान थे। जैसे तैसे मकानों की व्यवस्था की, कृषि है, व्यापार वाणिज्य सब कुछ स्थापित किया, लेकिन फिर भी लोग है देवगिरी में दुखी थे। है दिल्ली के उलेमा, दिल्ली के अमीर है, दिल्ली के सरदार जो है देवगिरी गए थे, वे दिल्ली की शानो शौकत को भुला नहीं पाए। है उनकी बेचैनी बढ़ती गई, उन्होंने कहा अरे सुल्तान, जो रुतबा जो शानो शौकत दिल्ली का है वो मज्जा देवगिरी में नहीं है। उसके अमीर नाराज, उसके सरदार नाराज है, जनता नाराज है। और एक दिन मोहम्मद बिन तुगलक ने है अपने सैनिकों से कहा ऐसा करो पीछे जाकर दिल्ली में देख कर आओ, ऐसा नहीं कि कोई पीछे चिपकर बैठ गया हो। है देखो देखो फटाफट दिल्ली में जाओ और कोई भी वहां चिपकर बैठ गया हो उन्हें पकड़ कर लाओ। है इतिहासकार इब्न बतूता लिखता है, इब्न बतूता लिखता है सुल्तान के आदेश पर उसके सैनिक दिल्ली में गए, पूरे दिल्ली को छान मारा। एक घर में दो व्यक्ति छिपे हुए बैठे थे, एक था अंधा एक था लंगड़ा। तो सैनिकों ने कहा तुम यहां छिपकर क्यों बैठो, क्यों नहीं चले दिल्ली है देवगिरी। तो उसने कहा मैं अंधा हूं ने मैं लंगड़ा हूं, बड़ी प्रॉब्लम बड़ी तकलीफ आती है। नहीं सुल्तान का आदेश है चलना पड़ेगा देवगिरी। दोनों को पकड़ा। अब सैनिकों ने कहा साले लंगड़े को पैदल पैदल ले जाएंगे देवगिरी, तो लंगड़ा कब दिल्ली पहुंचेगा ना कब की बात है, खुद परेशान है और हमें भी परेशान करके मारेगा। तो अब सैनिकों ने क्या किया, उस लंगड़े को तो मार दिया, लंगड़े को मार के फेंक दिया और अंधे को घसीटते 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 जब देवगिरी ले गए तो अंधा भी क्या हो गया, वो अंधा भी लंगड़ा हो गया है। लंगड़े को मार दिया और अंधा क्या हो गया, लंगड़ा हो गया। कौन कहता है, इब्न बतूता कहता है। अब थोड़े समय तक तो वो देवगिरी में रहा, फिर कहता नहीं नहीं नहीं, दिल्ली जैसा रुतबा दिल्ली जैसा सानो सोकर दिल्ली जैसा आनंद देवगिरी में कहा। ठीक है आप सबकी इच्छा है तो मैं राजधानी वापस दिल्ली ट्रांसफर करता हूं। और वापस मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी से दिल्ली ट्रांसफर की है। अरे लोगों ने कहा क्या कर रहे हो सुल्तान, बड़ी मुश्किल से यहाँ इतना सेटलमेंट किया और वापस दिल्ली। चौप जैसा आदेश दिया उसका पालन किया जाए। वापस लोगों को घसीटते घसीटते कहाँ ले गया, वापस घसीटते घसीटते प्रिय विद्यार्थियों उनको दिल्ली ले गया। वापस मार्ग में लोगों को असुविधाएं हुई, वापस तकलीफें हुई है, लोग ने कहा पागल सुल्तान है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की योजना राजधानी परिवर्तन असफल हुई, लोगों ने उसे पागल सुल्तान कहा, लोगों की नजरों में उसका मान सम्मान उसकी वैल्यू कम हुई। ये था प्रिय विद्यार्थियों मोहम्मद बिन तुगलक की पहली योजना, और पहली योजना कौन सी थी, राजधानी परिवर्तन। दूसरी योजना आज मैं बताता हूं सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन अर्थात प्रतीक मुद्रा का प्रचलन। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, चांदी के सिक्कों की जगह पर तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया और तांबे के सिक्कों का मूल्य तांबे है चांदी के सिक्के के बराबर घोषित किया। तो पहला प्रश्न, प्रतीक मुद्रा चलाने वाला सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। किस धातु की सांकेतिक मुद्रा चलाई, तांबे की चलाई, और इतिहासकार फरिश्ता कहता पीतल की चलाई और अधिकांश इतिहासकार कहते तांबे की चलाई। चांदी की जगह पर तांबे के सिक्के चलाए और तांबे का दाम चांदी के सिक्कों के मूल्य के बराबर घोषित किया। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ऐसे क्या कारण रहे कि सुल्तान ने चांदी के सिक्कों की जगह पर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। पॉइंट नंबर एक, कारण नंबर एक, इतिहासकार बर्नी लिखता है सुल्तान की इच्छा विदेश को जीतने की थी, राजकोष खाली पड़ा था, अतः विदेश को जीतने की लालसा से राजकोष को भरने के लिए उसने चांदी की जगह पर तांबे के सांकेतिक सिक्के चलाए।
कारण नंबर दो है, मोहम्मद बिन तुगलक को नए प्रयोग करने का बहुत ही शौक था है, उसकी इच्छा क्या थी, मैं नए प्रयोग करूंगा है तो आने वाले इतिहास में मेरा नाम है इसी आशय से लिखा जाएगा। तो उसे नए प्रयोग करने का बहुत अधिक शौक था। भारतीय मुद्रा इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने की लालसा से उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तीसरा कारण, मोहम्मद बिन तुगलक से पूर्व चीन के मंगोल शासक कबूली खां और फारस के शासक गेकातू खां ने भी अपने अपने देशों में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों से प्रभावित हुआ और अपने देश में भी तांबे के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तो कहां से प्रभावित हुआ, चीन का मंगोल शासक कबूली खां जिसने अपने यहाँ पर कागज की सांकेतिक मुद्रा चलाई, और दूसरा किससे प्रभावित हुआ, फारस के शासक गेमातू खां से प्रभावित हुआ। अब प्रिय विद्यार्थियों, मोहम्मद बिन तुगलक ने है, और एक इतिहासकार है नेल्सन राइट, इतिहासकार नेल्सन राइट कहता है 14वीं शताब्दी में पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई और भारत में चांदी बहुत कम हो गई। तो चांदी की कमी के कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों की जगह पर तांबे के सांकेतिक सिक्के चलाए और चांदी के सिक्कों को अपने राजकोष में भर दिया, कोई पूरा नहीं था। क्लियर? तो बर्नी क्या कहता है, राजकोष को भरना, विदेश को जीतना, दूसरा मैंने बताया भारतीय मुद्रा इतिहास में नए प्रयोग करने के उद्देश्य से सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, तीसरा मैंने बताया है फारस के गेकातू खां और चीन के कबूली खां से प्रभावित हुआ, इतिहास का नेल्सन राइट, संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी, भारत में तो और ज्यादा कमी, बहुमूल्य चांदी धातु की रक्षा के लिए उसने तांबे के सांकेतिक मुद्रा चले। प्रिय विद्यार्थियों, तांबे की सांकेतिक मुद्रा भी असफल रही, इसका कारण क्या रहा सुनना। प्रिय विद्यार्थियों, मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन कर लिया, प्रतीक मुद्रा का प्रचलन तो किया लेकिन सिक्कों पर कोई सरकारी टकसाल स्थापित नहीं किया, कोई सरकारी नियंत्रण स्थापित नहीं किया है, और जो सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किए, निर्गमित किए, चलाए, उन सिक्कों पर डिजाइन भी बड़ी सिंपल सी डिजाइन थी, कोई पेचीदी कोई हार्ड डिजाइन थी नहीं। तो नंबर एक, सिक्कों की डिजाइन सिंपल थी है, टकसाल पर सरकारी नियंत्रण स्थापित नहीं किया, लोगों ने सिक्के देखा, अच्छा 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 सिक्के ठीक है, डिजाइन भी सिंपल है, ये सिक्के तो हम घर पर आराम से बना सकते हैं, और देखते देखते लोगों ने घरों पर नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। बर्नी लिखता है प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया और पूरे बाजार में डुप्लीकेट नकली तांबे के सिक्के आ गए, पूरा व्यापार वाणिज्य पूरी अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी है। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा क्या, बाजार में इतने सारे डुप्लीकेट सिक्के हैं और विदेशी व्यापारियों ने भी मना कर दिया, हमें नहीं बेचना माल वगैरह, नहीं करना आपके यहाँ पर व्यापार है, देश के व्यापारियों ने भी व्यापार करने से मना कर दिया, नहीं चाहिए तुम्हारे डुप्लीकेट सिक्के। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने घोषणा की, मैं अब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन बंद करता हूँ और वापस चांदी के सिक्के जारी करता हूँ। तो लोगों ने कहा, दिल्ली की जनता ने, ऐसा थोड़ा ना होता है, हमारे पास तांबे के सिक्के का हम क्या करेंगे, इतने सारे सिक्के पड़े हैं। सुल्तान ने कहा, नहीं 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 कोई घबराने की बात नहीं, ऐसा करो आप आपके चांदी के सिक्के हैं राज खजाने में जमा करा दो, इसके बदले में मैं आपको चांदी के सिक्के दे दूंगा, चैप्टर क्लोज है। और देखते देखते मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार के बाद तांबे के सिक्कों का अंबार लग गया, ढेर का ढेर लग गया। सैनिक आए, अमीर आए, अरे सुल्तान जरा बार तांबे के सिक्कों को देखो तो सही, तांबे के सिक्के आए हैं, इसके बदले में चांदी के सिक्के देने। अरे सोचना क्या है, तांबे के सिक्के ले लो, भले डुप्लीकेट ले लो आप, और चांदी के सिक्के जारी कर दो, अरे एक बार देखो तो सही।
मोहम्मद बिन तुगलक उठा और जैसे महल की छत पर जाकर खड़ा हुआ है, तांबे के सिक्कों के ढेर लगे हुए थे। उस दृश्य को मोहम्मद बिन ने तुगलक ने देखा, उसे जोरदार चक्कर आया और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। 2 घंटे तक उसे होश ही नहीं आया। उसकी दूसरी योजना भी असफल रही और लोगों ने कहा पागल सुल्तान है। तो योजना बहुत अच्छी थी, मोहम्मद बिन तुगलक समय से आगे भी था, लेकिन दिल्ली की जनता ने उसका साथ नहीं दिया। राजधानी परिवर्तन की योजना असफल है और सांकेतिक मुद्रा की योजना असफल। क्लियर विद्यार्थियों? तो इसमें सारी गलती किसकी थी? दिल्ली की जनता की। दिल्ली की जनता आज भी ठग थी और कल भी ठग थी, इसलिए कहते ना दिल्ली का ठग है। आगे मैं और बताऊंगा कि दिल्ली की जनसंख्या ने, दिल्ली के लोगों ने नादिर शाह के बारे में क्या अफवाह उड़ाई, अहमद शाह अब्दाली के बारे में क्या अफवाह उड़ाई, उनका क्या परिणाम हुआ, ये मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको मोहम्मद बिन तुगलक की 2 योजनाएं, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के बारे में बताया। शेष योजनाओं की जानकारी मैं आपको कल के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।